हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत ही स्पेशल रेमेडी देने जा रही हूँ जो कि हर एक की खास चॉइस होती है, जिसके कर्ली हेयर्स हैं उनको हमेशा ये शौक रहता है कि हमारे हेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट हों और हमारे बाल जो हैं वो स्मूथ हों। तो आज मैं आपको घर पर स्मूथनिंग करनी बताऊंगी, वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ, और वो 3 इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही इजी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए, आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरी हर रेमेडी बहुत ही आसानी से पहुंच सके और आप इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एक पेस्ट बनाते हैं बालों को स्मूथ करने के लिए, बालों को स्ट्रेट करने के लिए, और वो भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये लिया है 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आप पैकेट भी ले सकते हैं, आप डिब्बी भी ले सकते हैं, बाजार से खुली भी ले सकते हैं। और ये 3 चम्मच है चावल का आटा। चावल का आटा भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आप बाजार से नहीं लेते तो थोड़े से चावलों को मिक्सर के अंदर अच्छे से ग्राइंड करके ये आटा बना सकती हैं। और ये मैंने 3 चम्मच ही लिया है जेल, ये है एलोवेरा जेल। मेरे घर में प्लांट लगा हुआ है इस तरह का, मैंने ये ओरिजिनल एलोवेरा लिया है। इसे साइडों से काट कर मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। और अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप रेडीमेड एलोवेरा जेल ले सकते हैं, पतंजलि का भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का जेल ले सकते हैं। अगर आपको जेल नहीं मिलता तो एग आप यूज कर सकते हैं, इसकी जगह एग वाइट यूज करना है। एलोवेरा जेल की जगह आप एग वाइट भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो आप थोड़ा सा नारियल का तेल डाल सकते हैं, कोई भी नारियल का तेल आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का। तो चलिए हम बनाते हैं इससे पेस्ट। तो इसके अंदर हमने चावल का आटा मिक्स कर देना है। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट को। जितने आपके बाल लंबे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सामान बना लेना है। इसके अंदर हम जेल डाल, और जेल डाल के हमने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा नारियल का तेल डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स किया है। पानी आपने उतना ही मिक्स करना है जिससे कि ये थोड़ा सा थिक पेस्ट। अभी मेरे को थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा पानी और डालूंगी। ये हमारा पेस्ट बनकर, हमने इतना ही गाढ़ा पेस्ट बनाना है, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसकी। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है अपने हेयर्स के ऊपर। आपने इस पेस्ट को इस तरह से लेना है हाथ पे, और ऊपर से स्टार्ट करते हुए नीचे तक आपने इस तरह से। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बालों के अंदर कंघा जरूर करना है। कंघा इसलिए करना है कि अगर बाल अड़े हुए हैं या गुच्छा बना हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, सीधा हो जाए। उसके बाद आपने इस तरह से हाथ पे पेस्ट लेना है, ऊपर से बालों को पकड़ना है और इस तरह से बालों को नीचे के किनारे तक लगाते हुए आना है। जब ये लगा लोगे तो उसके बाद आपने जितने बालों में ये लगाया उसमें कंघा फेरना है। उसके बाद फिर आपने अगली लट पकड़नी है, बालों की थोड़े से बाल पोर्शन और लेने हैं सेक्शन बना के। तो फिर उसके अंदर हमने इसी तरह से लेके पूरा ऊपर से नीचे तक लगाना है और उसमें कंघा फेर देना है और उसको सीधा कर देना है। तो ये पूरा अप्लाई करने के बाद आपने 15 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है, उसके अंदर रबड़ नहीं डालना, ताकि अगर आप रबड़ डालोगे तो उसमें टक पड़ जाएगा। आपने रबड़ नहीं डालना, आप कोई पुराना कुर्ता डाल सकते हैं। उसके बाद आप बालों पे ये लगा लें और उसको सीधे ही रहने दें। 15 मिनट के बाद आपने उसको वॉश करके शैम्पू कर लेना है, और आपने कंडीशनर नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये जो जेल है या एग लोगे वो कंडीशनर का ही काम करता है। तो आप देखेंगे कि आपके बाल किस तरह से सिल्की और किस तरह से स्ट्रेट हो गए हैं। आपने वीक में एक बार इसको करना है, और तकरीबन आपने इसको 5 से 6 हफ्ते लगातार करना है, तो आपके बाल बहुत ही शाइनी और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे बिना किसी केमिकल के, बहुत ही इजी तरीके से। उम्मीद है आपको ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही इफेक्टिव लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसके रिजल्ट जो है आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको मेरी हर रेमेडी इसी तरह से मिलती रहे। आप इसे अपने बालों में ट्राई करें और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी, इसके रिजल्ट कैसे लगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।